आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ कि आप जो है परफेक्टली फाउंडेशन को कैसे अप्लाई करोगे। यस गर्ल्स, मुझे पता है कि बहुत सारी गर्ल्स की यही प्रॉब्लम होती है कि जब भी आप फाउंडेशन लगाते हो तो वो कभी केकी हो जाता है, फ्लेकी हो जाता है और हमें वो फुल कवरेज नहीं प्रोवाइड करता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ कि आप फाउंडेशन कैसे लगाओगे जिससे कि वो अमेजिंग निकल के आएगा। सो चलिए जल्दी से देख लेंगे ये वाला वीडियो। लेकिन अगर आप हमारे चैनल के लिए न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना हमारे चैनल को, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो हिट लाइक भी जरूर करना इस वीडियो को। तो चलिए बिना देर के जल्दी से स्टार्ट करते हैं ये वाला वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने फेस पे जो है मॉइस्चराइज़र अप्लाई करेंगे जिससे कि हमारी स्किन जो है बहुत ही अच्छे से हाइड्रेटेड हो जाएगी। और ये जो स्टेप है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिफोर अप्लाइंग एनी फाउंडेशन। तो अगर आपका फेस जो है वेल मॉइस्चराइज्ड होगा तो उसके ऊपर आप कोई भी फाउंडेशन लगाओगे तो वो बहुत ही ईजिली से ब्लेंड हो जाएगा। ऑल राइट, देन नेक्स्ट स्टेप में हम अप्लाई करेंगे अब प्राइमर। सो प्राइमर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे ममा अर्थ का न्यूली लॉन्च्ड प्राइमर। इसका फुल नेम है ममा अर्थ ग्लो पोर ब्लरिंग प्राइमर। तो अभी आप देख सकते हैं उसकी कंसिस्टेंसी ना इस तरीके की जेल फॉर्म की कंसिस्टेंसी है। इसमें टर्मरिक है, वाइटमिन सी है जो कि आपकी स्किन के लिए भी बहुत बेनिफिशियल रहता है। सो नाउ अभी आपको कैसे अप्लाई करना है, जहाँ पर आपके ओपन पोर्स है ना फेस पे वहाँ पर आपको अच्छे से अप्लाई करके और फेस को ईजिली से ब्लेंड कर लेना है। After that, I am going to my foundation. I am applying here Mama Earth Hydra Glow Full Coverage Foundation. सो गाइज, ये जो फाउंडेशन है वो आपको एक फुल कवरेज प्रोवाइड करता है। नाउ मैं इसके कुछ पम्प्स लेके और अपने फेस पे डॉट डॉट्स करके अप्लाई करूँगी। नाउ ये जो फाउंडेशन है ये आपको 3x इंस्टेंट ग्लो प्रोवाइड करता है और इसमें जो है टर्मरिक एंड वाइटमिन सी भी इंक्लूडेड है। 12 आवर्स का आपको हाइड्रेटिंग स्टे मिल जाएगा। इसमें हाइलूरोनिक एसिड भी है जो कि आपके स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है, और ये एक मेड सेफ टॉक्सिन फ्री प्रोडक्ट है। और इससे पहले अगर आपने प्राइमर यूज करा है तो ये बहुत ही इजीली से ब्लेंड भी हो जाता है। सो आई जस्ट लव दिस फाउंडेशन। इस फाउंडेशन को लगाने के बाद में आपको एक फुल कवरेज मिलेगी। अगर आप किसी पार्टी फंक्शन में जाना चाहते हो तो दिस फाउंडेशन इज परफेक्ट फॉर यू। इट हैज SPF 35 ऑल्सो फॉर सन प्रोटेक्शन, दैट इज रियली कूल। एंड इसमें स्वेट रेसिस्टेंट आपको मिल जाएगा, वाटर रेसिस्टेंट है ये, और ये जो है 6 शेड्स में इन्होंने लॉन्च करा है। तो चलो आपको सारे इसके 6 शेड्स दिखाती हूँ और उनके नेम्स भी आपको बता देती हूँ। सो फर्स्ट शेड इज आइवरी ग्लो, 02 इज क्रीम ग्लो, 03 इज न्यूड ग्लो, 04 इज सन ग्लो, 05 इज बेज ग्लो, 06 इज कैरमेल ग्लो। तो आप अपने शेड्स के अकॉर्डिंग जो है ये इसमें से कोई भी फाउंडेशन चूज कर सकते हो। ये फुल कवरेज फाउंडेशन है, सो आई वुड हाईली रेकमेंड यू ऑल टू ट्राई इट। सो दिस इज माई बिफोर पिक्चर, नाउ यू विल क्लियरली सी द डिफरेंस। सो ये प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे ममर्थ की वेबसाइट पे और इनकी ऐप पर भी, अमेजोन पे, नायका पे, फ्लिपकार्ट पे एंड पर्पल पे। और अगर आप मेरा ये वाला कूपन कोड लगाते हो प्रेरणा 2024 का तो आपको 20% ऑफ भी मिल जाएगा ममर्थ की वेबसाइट पर और ऐप पर भी। तो है ना अमेजिंग गाइस। ममा अर्थ लिसन्स टू यू, सो यूज देयर प्रोडक्ट्स एंड शेयर योर फीडबैक। दे इम्प्रूव्ड देयर अनियन शैम्पू बेस्ड ऑन योर इनपुट्स, प्लस दे आर ऑलवेज अपग्रेडिंग देयर प्रोडक्ट्स थ्रू रिसर्च एंड इनोवेशंस फॉर बेटर क्वालिटी। नाउ गाइस, थर्ड स्टेप में हम अपने फेस पे ना कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई करेंगे टू यू नो लॉक दिस फाउंडेशन। एंड अभी जो है समर्स में काफ़ी ऐसे स्वेट भी आता है तो उसको स्टॉप करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए वी विल अप्लाई अ कॉम्पैक्ट पाउडर। देन इसके बाद में आप जो है एक सेटिंग स्प्रे ले लो, तो उसको अपने फेस पे यू नो स्प्रे कर लो जिससे कि लॉन्ग लास्टिंग आपका सारा बेस बन जाएगा। आफ्टर दैट आई एम यूजिंग दिस स्टिक लाइक फॉर माई ब्लश। तो मैं अभी ब्लश अप्लाई कर रही हूँ। आप कोई भी पाउडर ब्लश भी है तो वो भी अप्लाई कर सकते हो, बट आई वुड रेकमेंड यू ऑल टू यूज़ दिस काइंड ऑफ स्टिक जो कि बहुत अच्छी रहती है। फिर मैं इसको जो है ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी और आप देख रहे हो एकदम नेचुरल ग्लो आ रहा है, बिल्कुल भी केकी नहीं लग रहा है। इसके बाद में फिर अगेन मैं जो है स्टिक वाला यू नो हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। इससे क्या होगा कि आपका जो बेस है वो एकदम सटल लगेगा एंड केकी नहीं लगेगा, जो कि आपकी प्रॉब्लम है, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स की यही प्रॉब्लम होती है। तो अवॉइड यूजिंग दोज पाउडरी ब्लशेज एंड हाइलाइटर्स। देन इसके बाद में हम काजल अप्लाई कर लेंगे।
बिकॉज इसके बाद में हमें ओवरऑल लुक आपको शो करना है, तो दैट इज़ वाई. और आईब्रोज भी मैं हल्का सा टेम कर लूँगी. इसके बाद में मैं अप्लाई कर रही हूँ लिपस्टिक, अपनी फेवरेट शेड. ये कोकोआ ब्राउन शेड है जो कि हर एक आउटफिट पे चल जाता है, और ब्राउन शेड्स बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं, तो आप इस तरीके के शेड्स बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो. ऑल राइट, सो अभी मस्कारा हम लगाकर बिल्कुल डन करने वाले हैं अपना मेकअप, बिकॉज मस्कारा इज मस्ट. अगर मस्कारा नहीं लगाओगे तो आईलैशेस पे जो फाउंडेशन लग जाता है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है. ऑल राइट, हेयर इज माई लुक फिनिश्ड यू गाइज. होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. प्लीज़ हिट लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और मैं मिलूंगी आपसे एक और वीडियो के साथ में. टिल देन बाय बाय, सी या टेक केयर, लव यू गाइज, बाय.